हेलो दोस्तों, तो चलिए प्रधानमंत्रियों की इस कड़ी में अब हम देखते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। ठीक है, चौधरी चरण सिंह की बायोग्राफी देखते हुए। इनका जन्म की बात करें 23 दिसंबर 1902 में नूरपुर यूनाइटेड प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया में हुआ, और इनका निधन की बात करें तो 29 मई 1987 को हुआ। कार्य की बात करें तो ये राजनेता थे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह ने एक भारतीय राजनेता और देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। भारत में उन्हें किसानों की आवाज बुलंद करने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है। हालांकि वे भारत के प्रधानमंत्री बने पर उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी कार्य किया। वे 2 बार उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे और उससे पूर्व दूसरे मंत्रालयों के कार्यभार संभाला था। वे महज 5 महीने और कुछ दिन ही देश के प्रधानमंत्री रह पाए। बहुमत सिद्ध करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को यूनाइटेड प्रोविंस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके परिवार का संबंध वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह से था, जिन्होंने 1987 की क्रांति में विशेष योगदान दिया था। ब्रिटिश हुकूमत ने नाहर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी पर चढ़ा दिया था। अंग्रेजों के अत्याचार से बचने के लिए नाहर सिंह के समर्थक और चौधरी चरण सिंह के दादा उत्तर प्रदेश के बुलंदर शहर जिले में निष्क्रमण कर गए। चौधरी चरण सिंह को आरंभ से ही शैक्षणिक वातावरण प्राप्त हुआ, जिसके कारण उनका शिक्षा के प्रति अतिरिक्त रुझान रहा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नूरपुर में ही हुई। उसके बाद मैट्रिकुलेशन के लिए उनका दाखिला मेरठ के सरकारी स्कूल में करा दिया गया। सन 1923 में चरण सिंह ने विज्ञान विषय में स्नातक किया और 2 वर्ष बाद सन 1925 में उन्होंने कला के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और फिर विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन 1928 में गाजियाबाद में वकालत कर दिया। वकालत के दौरान वे अपनी ईमानदारी, साफगोई और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। चौधरी चरण सिंह उन्हीं मुकदमों को स्वीकार करते थे जिसमें मुकबिल का पक्ष उन्हें न्यायपूर्ण प्रतीत होता था। इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के बाद उन्होंने गाजियाबाद में एक कांग्रेस कमेटी का गठन किया। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ने के कारण चरण सिंह को 6 महीने की सजा सुनाई। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने स्वयं को देश के स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। 1937 में मात्र 34 साल की उम्र में वे छपरौली वाकपत से विधानसभा के लिए चुने गए। कृषकों के उप अधिकार की रक्षा के लिए विधानसभा में एक बिल पेश किया। यह बिल किसानों द्वारा पैदा की गई फसलों के विपणन से संबंधित था। इसके बाद इस बिल को भारत के तमाम राज्यों ने अपनाया। सन 1940 की बात करें तो 40 में गांधी जी द्वारा किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में चरण सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद वे अक्टूबर 1941 में रिहा किए गए। सन 1942 के दौरान संपूर्ण देश में असंतोष व्याप्त था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से करो या मरो का आह्वान किया। इस दौरान चरण सिंह ने भूमिगत होकर गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मावाना, सतना, बुलंदशहर आदि के गांव में घूम घूम कर गुप्त क्रांतिकारी संगठन तैयार किए। पुलिस चरण सिंह के पीछे पड़ी हुई थी, अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें 1.5 साल की सजा सुनाई। जेल में उन्होंने शिष्टाचार शीर्षक से एक पुस्तक लिखी।
स्वाधीनता के बाद की बात करें तो चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत पद्धति पर आधारित आर्थिक सुधारों का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि सहकारी पद्धति की खेती भारत में सफल नहीं हो सकती है। एक किसान परिवार से संबंध रखने वाले चरण सिंह का यह मानना था किसान का जमीन पर मालिकाना हक होने से ही इस क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि नेहरू के सिद्धांतों का विरोध का असर उनके राजनीतिक करियर पर पड़ा। देश की आजादी के बाद चरण सिंह 1962 1962 1967 के विधानसभा चुनाव में जीतकर राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में उन्हें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया। इसी भूमिका से इन्होंने राजस्व, न्याय, सूचना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि विभागों का अपने दायित्व का निर्वहन किया। सन 1951 में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने न्याय एवं सूचना विभाग का दायित्व संभाला। सन 1952 में डॉक्टर संपूर्णानंद के सरकार में उन्हें राजस्व तथा कृषि विभाग की जिम्मेदारी प्राप्त हुई। चरण सिंह स्वभाव से ही एक कृषक थे, अतः भी किसानों के हितों के लिए लगातार प्रयास करते रहते थे। सन 1960 में जब चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब उन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया। चरण सिंह सन 1967 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और एक नए राजनीतिक दल भारतीय क्रांति दल की स्थापना की। राजनारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं के सहयोग से उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया और सन 1967 से 70 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 67 से 70 तक। सन 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया और चरण सिंह समेत सभी राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल के बाद सन 1977 में चुनाव में इंदिरा गांधी जी की हार हुई और केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। चरण सिंह इस समय गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। इनके प्रधानमंत्री पद पर बात करें तो जनता पार्टी में आपसी कलह के कारण मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, जिसके बाद कांग्रेस और सीपीआई के समर्थन से चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 20 अगस्त तक का वक्त दिया, पर इंदिरा गांधी ने 19 अगस्त को ही अपना समर्थन वापस ले लिया। इस प्रकार संसद का एक बार फिर सामना किए बिना चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इनके निजी जीवन की बात करें तो चरण सिंह का विवाह सन 1929 में गायत्री देवी के साथ हुआ। इन दोनों के 5 संतान हुई। उनके पुत्र अजीत सिंह अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष हैं। लेखन की बात करें तो एक राजनेता के साथ साथ चौधरी चरण सिंह एक कुशल लेखक भी थे और अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार रखते थे। उन्होंने अबोलिशन ऑफ जमींदारी, लेजेंडे प्रोपराइटरशिप और इंडिया पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तकों का लेखन भी किया। ठीक है, तो ये था अपना चरण सिंह जी का जीवन परिचय या बायोग्राफी जो भी हुई।